गोड्डा लोकसभा से बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने लोकसभा में वेब मीडिया के लिए कानून बनाने की मांग की है। सोशल मीडिया को रेगुलेट करने की उनकी इस मांग को लेकर निशिकांत दुबे से बातचीत की हमारे संवाददाता संजय शर्मा ने। प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की तरफ सोशल मीडिया को कैसे रेगुलेट किया जाए, ये मांग संसद में उठी। लोकसभा में शून्यकाल के दौरान निशिकांत दुबे जी ने मामला उठाया और उनका ये कहना था कि चुनाव के दौरान जिस तरह से कुकुर मुत्तों की तरह बहुत सारे सोशल मीडिया कोई भी माइक लगा देता है, ऐसे सरकार को इसे रेगुलेट करना चाहिए। इस बारे में हम बात कर रहे हैं निशिकांत दुबे जी से। दुबे जी, आपके इस मामले में क्या क्या और चीजें हैं जो आप बताना चाहते हैं? देखिए, सभी चीज के एक नियम कानून होते हैं, ये देश संविधान के अनुसार चलता है। और मैंने ये कहा कि जो प्रिंट मीडिया है, जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है और जो भी रेगुलेटेड मीडिया है या जो भी जैसे हम जैसे संविधान से बाधित हैं, मतलब बाध्य हैं, तो एक सांसद भी एक रेगुलेटेड आदमी है। जो अनरेगुलेटेड चीज, जो अनअकाउंटेड चीज, उस तरह की चीजें इस देश में बहुत बढ़ी और खासकर पत्रकार के नाम पर, सोशल मीडिया के नाम पर, फेसबुक के माध्यम से, ऐप के माध्यम से एक ब्लैकमेलिंग स्टार्ट और आपके निजी जीवन में वो हस्तक्षेप कर रहा है। आप कहाँ खाना खाने जा रहे हो, बच्चों के कहाँ साथ कहाँ जा रहे हो, परिवार के साथ साथ कहाँ जा रहे हो, परिवार के साथ कहाँ आप शादी में डांस कर रहे हो, या आपके किसी मुद्दे को जो उठा लिया, किसी बात को तोड़ मरोड़ कर रख दिया और बिना किसी रेगुलेशन, बिना किसी सहारे के, बिना किसी सरकार के परमिशन के, वो जगह जगह ब्लॉक में पत्रकार खड़े हो जाते हैं और वो आपको इस तरह से ब्लैकमेल कर आपके पूरे परिवार को तबाह कर देते हैं, आपके पूरे जिंदगी को तबाह कर देते हैं और आपकी जो बनी बनाई इमेज है उसको खत्म कर देते हैं। और केवल ये पत्रकार केवल पॉलिटिशियन के साथ ऐसा नहीं करते, आम लोग जो है, जो ब्यूरोक्रेट हैं, जो ठेकेदारी करते हैं, जो कोई होटल चलाते हैं, कोई रेस्टोरेंट चलाते हैं, सारे समाज के सारे जीवन में ये अंदर से घुसे हुए हैं। पुलिस वाले कहाँ काम कर रहे हैं और वो सभी तबाह है। पूरा देश यदि किसी से आज की डेट में तबाह है, वो सो कॉल्ड जो सोशल मीडिया या सोशल मीडिया के जो पत्रकार हो गए हैं उनसे तबाह है। और यही मुद्दा हमने पार्लियामेंट में उठाया और आपने देखा कि सभी पार्टी और सभी सांसद यदि किसी एक मुद्दे पर सहमत नजर आया, क्योंकि सभी अभी चुनाव लड़कर आए हैं और सभी दुखी होकर आए हैं और ये सरकार को करना चाहिए और ब्लैकमेलिंग का जो शिकार पूरा समाज हो रहा है उससे बच सकते। हाँ बिल्कुल, शून्यकाल के दौरान जब ये मुद्दा उठाया गया तो उस समय सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों बेंच ने मेजे थपथपाकर इसका स्वागत किया, क्योंकि लगता है सब लोग एक ही नाव में सवार। निशिकांत दुबे के मुताबिक प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर नियंत्रण के लिए मौजूदा वक्त में कानून है, लेकिन सोशल मीडिया वेब पोर्टल के लिए सरकार की तरफ से किसी तरह के कानून को नहीं बनाया गया है, जिसका फायदा फर्जी पत्रकारिता करने वाले उठाते हैं और किसी भी व्यक्ति की निजता में दखलअंदाजी करने की कोशिश करते हैं। सांसद निशिकांत दुबे ने जो मांग लोकसभा में बुधवार को की, उसकी मांग और जरूरत काफी दिनों से महसूस की जा रही है, क्योंकि वेब मीडिया के लिए किसी तरह के गाइडेड कानून नहीं होने की वजह से कई बार खबरों को भ्रामक और सनसनीखेज बनाकर सोशल मीडिया में प्रसारित किया जाता है, जिसकी वजह से कई बार सामाजिक तानाबाना और सौहार्द पर खतरा आ जाता है। दिल्ली से संजय शर्मा की रिपोर्ट, बिहार तक।